नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SPDL टिप्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम Facebook पर फोटो से रील्स वीडियो कैसे बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप Facebook पर रील्स वीडियो अपलोड करते हैं तो दोस्तों अब आप अपनी मल्टीपल फ़ोटो ऐड करके Facebook से अच्छी खासी एक रील्स भी बना सकते हैं और आप उसे Facebook रील्स में पोस्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि फ़ोटो से रील्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम अपनी Facebook एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। चलिए उसके बाद हम इस रील्स के ऑप्शन पर क्लिक करके और जहां पर क्रिएट रील का जो ऑप्शन मिलता है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। दोस्तों जैसे क्रिएट रील पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी गैलरी से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो फ़ोटो सेलेक्ट करने से पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेलेक्ट मल्टीपल। अगर आप एक या फिर एक से ज़्यादा फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तों आप इस सेलेक्ट मल्टीपल के ऑप्शन पर क्लिक करिए। और जैसे आप सेलेक्ट मल्टीपल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपनी गैलरी से अच्छी खासी जो फ़ोटो आप अपनी रील्स में ऐड करना चाहें वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ से कुछ फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं जो हम अपनी रील्स में ऐड करना चाहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपके सामने 3 फ़ोटो ऐड कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। दोस्तों यहाँ पर हमने रील्स के लिए फ़ोटो तो सेलेक्ट कर लिया, अब हम अपनी रील्स में कोई सॉन्ग भी ऐड करना चाहेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारे सामने सॉन्ग भी शो हो रहे हैं, या फिर अगर आप सॉन्ग सर्च करना चाहें तो यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन भी मिलता है। आप इस पर क्लिक करके आप अपने पसंदीदा अनुसार आप सॉन्ग सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक सॉन्ग सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ़ोटो भी ऐड कर लिया, सॉन्ग भी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम इस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको राइट साइड के साइड में कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। तो अब हम अपने इस रील्स में अच्छे खासे इफ़ेक्ट भी ऐड करेंगे। तो आपको सिंपल इस इफ़ेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इफ़ेक्ट दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो इफ़ेक्ट आपको ठीक लगे वो इफ़ेक्ट आपको अपनी रील्स वीडियो में ऐड कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इफ़ेक्ट ऐड कर दिया है अपनी रील्स में और मैंने अपनी रील्स में 3 फ़ोटो ऐड की थी। तो यहाँ पर मेरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब हम इस रील्स को नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों जो सेम प्रोसेस आप करते हैं, यहाँ पर आप अपनी रील्स का पर हैशटैग वगैरह या फिर डिस्क्रिप्शन जो आप लिखना चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद आप इस रील्स को यहाँ पर शेयर रील कर दीजिए और ये रील्स आपकी पूरी तरह से यानी विद म्यूजिक एंड विद इफ़ेक्ट के साथ फ़ोटो के साथ आपकी रील्स वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे ये रील्स कम्प्लीटली अपलोड हो जाएगी उसके बाद हम आपको प्ले करके भी दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी रील्स वीडियो पूरी तरह से अपलोड हो चुकी है। तो चलिए अब हम अपनी उस रील्स पर जाएंगे जो अभी अभी मैंने वो रील्स वीडियो फ़ोटो से रील्स वीडियो क्रिएट की है। तो इसके लिए हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक माई रील्स का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपने अभी तक जितने भी रील्स वीडियो अपलोड की है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो मैंने आपके सामने ये फर्स्ट वाली रील्स वीडियो अभी फ़ोटो से बनाई है। तो चलिए मैं आपको ये प्ले करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने तो सिर्फ आपको एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ये कोई भी सॉन्ग ऐड करके आपको बताया है। आप अपने हिसाब से अच्छी खासी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, अच्छा खासा इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं और अच्छा खासा जो आपको पसंद लगे वो सॉन्ग ऐड कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब आप यही प्रोसेस अपनाएंगे तो एक अच्छी खासी रील्स वीडियो अपनी फेसबुक रील्स पर फ़ोटो से बना सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और हाँ, फिर भी अगर मन में कोई भी सुझाव हो, डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।